समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 31वां अध्याय मंत्र संख्या 7 मंत्र है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहूता ऋचः सामानि जज्जीरे छन्दांसि जज्जीरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। इस मंत्र का देवता है सृष्टा ईश्वर। सृष्टा अर्थात सर्जन करने वाला, बनाने वाला। किसको बनाने वाला? संसार को बनाने वाला। ऐसे ईश्वर के विषय में इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि उस परमेश्वर से चारों वेद उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। और मंत्र के अंदर तीन वेदों का नाम तो आया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद का नाम नहीं आया, तो छंदांसी शब्द से अथर्ववेद का ग्रहण किया है। और तस्मात् तस्मात्, ये दो बार तस्मात् शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इससे क्या बात निकाली गई है, इससे क्या संकेत मिला है कि परमेश्वर से ही चारों वेद प्रकट हुए हैं और किसी से प्रकट नहीं हुए। अर्थात जो वेद हैं वो ईश्वर की वाणी है। संस्कृत विद्या के अंदर बहुत सी बातें संकेतों से जानी जाती है। सारी बातें शब्दों में या वाक्यों में वर्णित नहीं होती, संकेतों से, ज्ञापकों से बहुत सी बातें निकाली जाती है। इसलिए संस्कृत विद्या के विषय में सत्यात् प्रकाश के तीसरे समुल्लास में क्या लिखा है, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना ऐसा है जैसे एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। तो जिसको संस्कृत विद्या आती है, जो संकेतों को, ज्ञापकों को समझता है, वो एक मंत्र से बहुत सी बातें निकाल सकता है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, मंत्र का तात्पर्य बताया गया है कि आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश कर रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से कि हम, हे मनुष्यों, आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की उपासना करो, वेदों को पढ़ो और उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्त के सुखी हो। सुख तो सब मनुष्यों के पास होता है कुछ ना कुछ, लेकिन सब मनुष्यों को सुखी नहीं कहा जाता। जैसे धन सब मनुष्यों के पास कुछ ना कुछ होता ही है, सब मनुष्यों को धनी नहीं कहा जाता, धनवान नहीं कहा जाता। इसी प्रकार से सुखी भी किसको कहा जाएगा, जो विशेष रूप से सुख से युक्त है उसको सुखी कहा जाएगा। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से मनुष्य को विशेष सुख की प्राप्ति होती है। वो विशेष सुख क्या है, उसको समझने के लिए एक श्लोक व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर दिया है, ना विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरे। तो विशेष सुख क्या है, ध्रुव जो सुख है, ध्रुव जो सौख्य है, स्थिर जो सौख्य है, स्थिर जो सुख है,
वो विशेष सुख है। तो वेद के अनुकूल चलने से, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से मनुष्य संसार के अंदर भी स्थिर सुख को प्राप्त करता है और संसार से छूटकर फिर मुक्ति में भी वो लंबे काल तक ईश्वर के आनंद को स्थिरता से भोगता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य लंबे समय तक सुखों को भोगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने विषय में बताया कि मैं वेदों को उत्पन्न करता हूँ या प्रकट करता हूँ, इसलिए तुम वेदों को पढ़ो, मेरी आज्ञा को जानो और मेरी आज्ञा के अनुकूल चल के सुखी होवो, स्थाई स्थिर विशेष सुखों को प्राप्त करो और दूसरों को भी सुखी करो।